वेलकम बैक दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिटेल कंपैरिजन करने जा रहे हैं किया कैरेंस के टॉप मॉडल्स लग्जरी और लग्जरी प्लस के बीच में, जहां पर आपको इन दोनों ही वेरिएंट्स के बीच में टोटल 8 डिफरेंसेस देखने को मिल जाती हैं। बात करें अगर प्राइस डिफरेंस की, तो एक शोरूम कॉस्ट पर अगर आप बात करें चाहे पेट्रोल के अंदर या फिर डीजल के अंदर, दोनों ही केसेस के अंदर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आपको करीब 1,20,000 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि इस 1,20,000 रुपए के एक शोरूम कॉस्ट डिफरेंस पर आपको फीचर का कौन कौन सा डिफरेंस दिया गया है। तो दोस्तों, डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल वाहन ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोनों वेरिएंट्स के बीच में सबसे पहला डिफरेंस आता है सनरूफ का। लग्जरी प्लस वेरिएंट के अंदर आपको नॉर्मल इलेक्ट्रिक टाइप सनरूफ ऑफर किया गया है, जो कि लग्जरी वेरिएंट के अंदर आपको नहीं मिलता। दूसरा डिफरेंस आता है वेंटिलेटेड सीट्स का। लग्जरी प्लस वेरिएंट के अंदर आपको जो फ्रंट सीट्स हैं वो वेंटिलेटेड टाइप की दी जाती हैं, जो कि लग्जरी वेरिएंट के अंदर आपको नॉर्मल टाइप की ही मिलती हैं। तीसरा डिफरेंस आता है साउंड सिस्टम का। लग्जरी प्लस वेरिएंट के अंदर आपको 8 स्पीकर वाला बोस का प्रीमियम साउंड सिस्टम ऑफर किया जाता है, जबकि बात की जाए अगर लग्जरी वेरिएंट की, तो यहां पर आपको टोटल 6 स्पीकर यानी के 4 स्पीकर प्लस 2 ट्यूटर का सेटअप के साथ नॉर्मल स्पीकर सेटअप प्रोवाइड किया गया है। चौथा डिफरेंस आता है वायरलेस फोन चार्जर का। तो लग्जरी प्लस वेरिएंट के अंदर आपको वायरलेस फोन चार्जर विद कूलिंग फीचर के साथ ऑफर किया गया है, जबकि लग्जरी वेरिएंट के अंदर आपको ये फीचर नहीं मिलता। पांचवा डिफरेंस आता है स्पॉट लैंप का। लग्जरी प्लस वेरिएंट के अंदर आपको स्पॉट लैंप, जिसके अंदर आपको किया का प्रोजेक्शन लोगो देखने को मिलता है, वो ऑफर किया जाता है, जबकि लग्जरी वेरिएंट के अंदर आपको स्पॉट लैंप का फीचर नहीं मिलता। छठा डिफरेंस आता है रेन सेंसिंग वाइपर्स का। तो लग्जरी प्लस वेरिएंट के अंदर आपको रेन सेंसिंग ऑटोमेटिक टाइप वाइपर्स ऑफर किए जाते हैं, जो कि लग्जरी वेरिएंट के अंदर आपको ऑफर नहीं किए गए। सातवां डिफरेंस आता है इंटीरियर लैंप्स का। तो लग्जरी प्लस वेरिएंट के अंदर आपको जो इंटीरियर लैंप्स हैं उनके अंदर एलईडी प्रोवाइड की गई है, जबकि लग्जरी वेरिएंट के अंदर आपको एलईडी नहीं मिलती, यहां पर आपको हैलोजन बल्ब्स ऑफर किए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, लग्जरी प्लस वेरिएंट के अंदर आपको 7 स्पीड का डीसीटी ट्रांसमिशन पेट्रोल इंजन के साथ और 6 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन डीजल इंजन के साथ भी ऑफर किया जाता है, जिसमें आपको एक्स्ट्रा फीचर्स के तौर पर पैडल शिफ्टर्स और मल्टी ड्राइव मोड के साथ एम्बिएंट मूड लाइटिंग लिंक मिलती है, जिसको आप इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स मोड पर यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही डिफरेंसेस थे इन दोनों ही वेरिएंट्स के बीच में। उम्मीद करते हैं अब इन दोनों ही वेरिएंट्स के बीच का कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। इसी तरीके से हम कैरेंस के अलग अलग वीडियोस लाने वाले हैं, कंपैरिजन से लेकर के रिव्यूज तक। तो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वाहन ऑफिशियल।